हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा आज क्लास 10 के एग्रीकल्चर चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे गहन जीविका कृषि मीन्स इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें क्या है कि ये ऐसे क्षेत्रों में खेती की जाती है जहाँ खेतों के साइज या लैंड बहुत ही शॉर्ट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इस उस एरिया में पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा होता है, मैंने घनी आबादी होती है। और देखो, घनी आबादी में प्रॉब्लम क्या है कि बड़े बड़े मशीन्स का यूज नहीं कर पाते क्योंकि खेतों के साइज छोटे हैं। तो बड़े बड़े मशीन का यूज करने से वेस्ट ऑफ मनी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लेबर लगा के ज़्यादा मजदूर लगा के इसमें खेती की जाती है। तो ये इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग किन एरिया में की जाती है? जिस राज्य का पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्जांपल बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सेकंड, इसमें मॉडर्न HIV सीड्स का प्रयोग किया जाता है, न्यू इरिगेशन सिस्टम, डीप बोरिंग सिस्टम, ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है एंड मैन्योर फर्टिलाइजर का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब एक टॉपिक आता है कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये खेती क्यों ऐसे होती है। तो इंडिया में इनहेरिटेंस लॉ मीन्स उत्तराधिकारी नियम क्या है कि एक पिता हैं और उनके अगर एक पुत्र हैं तो पिता की सारी प्रॉपर्टी पिता के बाद उनके बच्चों को मिल जाएगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक पिता हैं और उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है और उनके 4 बच्चे हैं, तो पिता के बाद वो ज़मीन 2.5 एकड़ चारों बच्चों में बढ़ गई। फिर अगर उन पिता के जो 4 पुत्र थे अब उनके लड़के हो गए और उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, तो आप देख रहे हो कि ज़मीन जो पहले जो बड़ा था फिर उसके 2 पार्ट हुए, फिर उसके और सारे पार्ट होते गए, तो ऐसे क्या हो गए, ज़मीन के साइज़ ग्रेजुअली क्या हो गए, छोटे छोटे होते गए। जब ज़मीन छोटे छोटे होते गए और पॉपुलेशन बढ़ता गया तो ऐसे कंडीशन में एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया और पॉपुलेशन ज़्यादा है और फूड ग्रेन्स की डिमांड क्या है, ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग के द्वारा ज़्यादा लेबर लगा के न्यू HIV सीड्स का यूज करके, न्यू इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करके, मैन्योर फर्टिलाइज़र के द्वारा खेती के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि लोगों के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब इसके आते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके फीचर में क्या है। तो इसमें इसके फीचर में हम लोग देखते हैं कि इसमें HIV सीड्स का यूज किया जाता है, न्यू टूल्स का यूज किया जाता है, ट्रैक्टर हार्वेस्टिंग मशीन का भी यूज किया जा सकता है और नए मॉडर्न मेथड से इरिगेशन सिस्टम के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा
फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो आई हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ फार्मिंग एंड व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न मेथड। आज हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड इट्स फीचर के बारे में। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।